हेलो दोस्तों, V2 इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपको। आज आप लोगों को बताएंगे, मेरे पास एक MI का 55 इंच का टीवी आया हुआ है, तो मॉडल नंबर दिखाइए सर। मॉडल नंबर देखिए, L55MS M5-A1AL है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, चलिए आपको लाइन देकर दिखाते हैं। बने वीडियो में आपको लाइन देकर हम दिखाते हैं। इसमें देखिए, लाइट यहाँ पे आ गया, ये लाइट रुक गया, देखिए ऑन हो गया टीवी। देखिए ऑन हो गया, नॉट डिस्प्ले, पिक्चर कोई नहीं है, मतलब पूरा ब्लू पिक्चर आ रहा है, ब्लू डिस्प्ले आ रहा है, लेकिन लाइट जल रहा है, बैक लाइट, पिक्चर कोई नहीं है। तो चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। इसमें कोई IR सेंसर और ये स्पीकर है, तो स्पीकर आप निकाल लीजिए, और स्पीकर निकालने के बाद इसके ऊपर जो बोल्ट लगा हुआ रहता है, पहला चीज आपको चेक करना है इसमें वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो 12 वोल्ट है वो आ रहा है या नहीं है, तो वो आपको चेक करके हम दिखाते हैं। मल्टीमीटर वायर को एक को ग्राउंड कर दीजिए ब्लैक वाले को, और इसमें हम लाइन देते हैं। देखिए यहाँ पे रेड लाइट आ गया, रेड लाइट आ गया यहाँ पे। चलिए अब ऑन करते टीवी को। मल्टीमीटर पे भी दिखाइए, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे मल्टीमीटर पे, 12 वोल्ट आ रहा है, लेकिन कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। तो दिखाइए डिस्प्ले, दिखाइए, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन कोई डिस्प्ले नहीं है। तो अब एक तरीका और है इसका चेक करने का, ये जो यहाँ पे जो लगा हुआ है LVDS, एक साइड से निकाल दीजिए, इससे पता चल जाए आपको कि किस साइड का शॉर्ट है डिस्प्ले। देखिए इसको निकाल दिए, अब लाइन देखा आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लाइट जल रहा है, काउंटर का, चलिए अब दिखा दिखाइए सर नीचे हम डिस्प्ले। देखिए डिस्प्ले आ रहा है लेकिन हाफ डिस्प्ले आ रहा है, इससे डिस्प्ले आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है। देखिए इतना ही डिस्प्ले आ रहा है, इस साइड जो है डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इसमें शॉर्ट जो है इस साइड का शॉर्ट है, तो आपको चेक करने के लिए शॉर्टिंग किस साइड है, अब उसके लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे देके, अब आपको यहां से चेक करना, इस साइड से यहां पे चेक करना कहां पे बीप दे रहा है। देखिए सर में नहीं चेक कर, इसमें आपको करना क्या है, इस साइड वाले को लगा देना आपको, इसको वापस लगाने के बाद इस साइड का LVDS की निकाल कर, इसमें करना क्या, आपको डबल सेट टेप लेना है। डबल सेट टेप का जो ऊपर का जो ये पेपर रहता है, ये जो रहता है ना, इसको आपको फाड़ लेना, इतना बड़ा बड़ा फाड़ लेना, इतना बड़ा बड़ा फाड़ के, और उसके बाद फिर इसको आपको चेक करना लगा के। पहले क्या करना है आपको, इस साइड देना है, पहले इस साइड देकर देखिएगा। लगा दिए सेट देके, उसके बाद लाइन देना आपको फिर से वापस इसमें। अभी देखिए यहाँ पे लाइट खाली जल रही है,
इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे जल रहा है, बंद हो गया, देखिए ऑन हो गया ये। तो चलिए आपको उठा कर दिखाते हैं डिस्प्ले जो आया कि नहीं। अभी भी डिस्प्ले नहीं आ रहे हैं। फिर वापस आपको इसको बंद करना है, करना क्या है इसको, आप फिर वापस इससे आगे में देना है, थोड़ा आगे में, ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे से देके फिर से वापस इसको लगाकर टाइट कर देना। टाइट करने के बाद फिर से लाइन देके बाद चेक, लाइट आ गया, इंडिकेटर यहाँ पे जल रहा है। अभी भी जो है तो नॉट डिस्प्ले ही है अभी भी। फिर वापस आपको बंद करना है, ऐसे आपको चेक करना है कि आगे दे देकर फिर क्या करना है, इससे आगे बढ़ाकर फिर से देना है, फिर यहाँ पे जो है लगा देना है इसको ऐसे वापस यहाँ पे देकर बीच में फिर से ऐसे लगा देना है। फिर से चलिए आपको हम चेक कर कब दिखा, यहाँ पे जो है इंडिकेटर आ गया, ऑन हो गया। ऑन होने के बाद चलिए दिखाते हैं, देखिए दोनों साइड डिस्प्ले आ गया है। देखिए आ गया डिस्प्ले, जो हाफ में डिस्प्ले आ रहा था वो डिस्प्ले जो है ओके हो गया। आ गया डिस्प्ले, अब खराब बहुत आएगा इससे, देखिए आ गया टीवी जो ओके हो गया। तो चलिए इसमें अब आपको वीडियो चला के दिखाते हैं। तो ये जो है इसमें वीडियो केबल लगा के आप हम पिक्चर चला के भी दिखाइए सर। देखिए ओके हो गया टीवी, पिक्चर जो है टीवी ओके हो गया, जो नॉट डिस्प्ले था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। अगर आपको रिपेयरिंग की जानकारी चाहिए तो v2institute.com, अगर सर्विस चाहिए तो v2service.com, अगर आप कोई भी एलईडी एलसीडी का पार्ट चाहिए उसके लिए v2tools.com पे जाकर आप सामान परचेज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।